हेलो, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप साहब? तू किधर बिजी होती है? इसको उठा रही हाँ, तो ये देखो, अभी मैं और एलविन हो गए रेडी। रेडी हम इसलिए हुए हैं कि हम जा रहे हैं, एक ना इंडिया का फेस्ट है, वहाँ पे जा रहे हैं। हिमानी जा नहीं रही, हिमानी की वही वो नीज पेन की वजह से हिमानी जा नहीं रही। तो हिमानी और आयजा रहेगी घर, और पापा और भैया जा रहे हैं बाहर। इंडिया फेस्ट है, बहुत ही अच्छा फेस्ट है। वो पता है, हमारे कल्चर प्रोग्राम होंगे, खाने पीने के स्टॉल्स लगे होंगे, और कुछ उसके किड्स के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, खेलने खुलने के लिए। 120 हो गए, ये 12 बजे शुरू होना था, ऑलरेडी 1.5 घंटा हो चुका है, ये 6 बजे तक चलेगा। देखते हैं उधर जाके, एक नया एक्सपीरियंस है, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ उधर। लोगों ने अपने ना स्टॉल भी लगाए होंगे कुछ, वो सेल करने के, इंडियन सूट या कुछ ऐसे ज्वेलरी। चलो देखते हैं उधर जाके, इंजॉय करते हैं मैं और एलविन जाके। कोई बात नहीं, मेरे को तो ये था कि मैं कहा यार चलो क्या होता है इंडिया के फेस्ट में इधर कैलगरी में, तो भाई जाके देखते हैं। हमारा भी नया एक्सपीरियंस है, और आप लोगों को भी पता चलेगा कि भाई कनाडा में कि भाई इंडिया के जो फेस्ट लगते हैं वो किस तरह से क्या सिस्टम होता है, और किस तरह से उन्होंने क्या अरेंज किया होता है, उधर जाके देखते हैं। चलो चलते हैं। चलो पहुंचते हैं, मेरे ख्याल 10 मिनट्स लगेंगे ना, 11 मिनट्स बस, तो 11 मिनट्स लगेंगे। तो देख, अब पहुंच के फिर दिखाता हूँ क्या सेटअप है, क्या है नया एक्सपीरियंस। और हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम इंडियन फेस्ट का, चलो एंजॉय करते हैं इकट्ठे। तो जी हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, ये वेस्टर्न होटल है मेरे ख्याल ना। तो यहाँ पे है इंडियन फेस्ट, यहाँ पे मतलब ओपन में नहीं है, कवर्ड में होगा। तो यहाँ पे ये सारी तैयारी हो रही है मेरे ख्याल से। ये अंदर देखो, ये है इंडियन फेस्ट, सभी ने अपने अपने स्टॉल अंदर, मैं अंदर जाके दिखाता हूँ। साउंड बहुत ज्यादा है, मेरी आवाज कम आ रही होगी आपको। क्या खिला रहे हो? गुलाब जामुन एंड जलेबी। क्या बात है, वाह। थोड़ी आगे जाके देखते हैं और क्या क्या है इधर। पले पापड़ी अपने
पल्ले पापड़ी भी है, कुछ ना कुछ तो खा के जाएंगे इधर से। आपका ओ अच्छा ड्रिंक सर्व हो रही है, क्या बात है। इंडियन इंडियन ये कौन सा, वो गोला बना के उसमें, ओ वाह अच्छा, वो वोडका का, वोडका वाला गोला है, मतलब सारे टली करके जा। चलो ठीक है, वोडका का गोला यार, वाह क्या बात है। अरे पाजी की सर्व कर रहे हैं, पाजी तुझे की सर्व कर रहे हैं यार, दारू है, दारू एक, मैं समझा तुझे जूस दा लाया कुछ। ना, 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 ना। अच्छा तुझे वो आदमी कोरोना, अच्छा कॉकटेल्स वगैरह दे रहे हो, सिर्फ बियर दे दारू, कॉकटेल कोई नहीं। मतलब अगर ड्राइव करके बंदन जाना था फिर किधर जाऊंगा घर, अगर इतनी ऊबर ऊबर। चलो ठीक है, अभी काम वधिया। मैं फर्स्ट टाइम आया इंडिया, इंडिया दे फेस्ट ना है, हजे आने लोग शुरू हुए हैं। जी 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 बिल्कुल, हाँ हजे स्टार्ट होया है। चलो खैर देखते हैं, लेट्स सी। थैंक यू भाई, थैंक यू। मेरे को ना आपसे पूछना था कि आप बच्चों के भी हैं आपके पास, किड्स के नहीं है, और आप आपके पास कौन कौन सा स्टाफ है, मतलब पाकिस्तान, आप पाकिस्तान से, कहाँ से, पाकिस्तान से, कराची से, कराची से, क्या बात है। मेरे दादाजी भी पाकिस्तान से थे। अच्छा। हाँ हम माइग्रेंट जो है वो पाकिस्तान से हुए थे इंडिया, जब वो 47 में, 47 में। और मेरे दादाजी हैं वो अहमदाबाद से, वो माइग्रेट हुए थे पाकिस्तान। वाह, कई कई अपने लोग। देखो मैं एक बात जानता हूँ, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, और मैं अपने मेरे लोग, मेरे ना व्लॉग्स जो है यूट्यूब पे, पाकिस्तानी भी जो है सब देखते हैं, अपनी पाकिस्तान भी लोग देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ 30% लोग मेरे को पाकिस्तान से देखते हैं, 60% लोग मेरे को इंडिया से देखते हैं, और 35% लोग कनाडा से, मतलब मोस्टली हमारे ही लोग हैं सब। हाँ बड़े अप्रिशिएट करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं पाकिस्तान से भी सब, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है अगर वो पाकिस्तान से सब ब्लॉग देख रहे हैं, तो ये अपने जो है वो ये भाई हैं अपने, ये भाभी हैं हमारी, तो आप हजब वाइफ है ना, है ना, तो ये कराची से हैं, पाकिस्तान से हम एक ही हैं। ये मैं इनके पास खड़ गया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। अगर मैं अभी ना फेस्ट के बाद आपके साथ ना, मैं अगर मेरे को लगेगा कुछ अच्छा ना, तो मैं अपनी वाइफ के लिए ज़रूर आपसे लेके जाऊँगा। थैंक यू सर, मैं आता हूँ वापस। थैंक यू। तो बहुत अच्छा लगता है कि सॉरी मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है आप लोग में आके ना, खाने पीने का कुछ ना कुछ करेंगे, पहले अंदर अंदर परफॉर्मेंसेस देख लेते हैं। अगर मेरे को कुछ अच्छा लगा तो हिमानी के लिए लेके जाऊंगा मैं। पर एक बात है, यहाँ पे ना इंडियन जो है ना, जो इंडियन सूट है, यहाँ के प्राइसेस बहुत हाई होते हैं, क्योंकि इतनी दूर से आना इंडिया से, तो डबल से भी ज्यादा प्राइसेस होते हैं। जो वो था वो $150 का था वो सूट। चलो लेट्स सी, देखते हैं, अगर कोई ठीक लगेगा तो जरूर लेके जाऊंगा। परफॉर्म
नई चीज़ है, सब एकदम से मतलब अपने अपने हो जाते हैं, अपने बन जाते हैं। बाकी परफॉर्मेंसेज भी देखते हैं, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को इधर आके, मतलब मैंने मेरा फर्स्ट है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस। लाइव परफॉर्मेंस शुरू हो गई है। मेरा मन कर रहा है मैं कुछ खा लूं, वो मैं वही खाते हैं पोले पापड़ी, एक प्लेट ले लेता हूं वही खा लेता हूं। मैं इतना ब्रेकफास्ट भी अच्छे से नहीं करके आया, पे इधर इनके पे इधर करना पड़ेगा, तभी जाके वो कूपन देंगे, फिर जाके लेंगे उधर से। तूने कुछ लेना अभी? अभी पहले बोल दे, फिर मैं उनसे जो भी लेना उनसे कूपन ले लूँ मैं। बोल यार, ले लेना यार, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। मैंने अभी 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 कूपन ले लेना है, उसके बाद मैंने बस एक ही बार खाना जो खाना बस, उसके बाद मैंने फिर आना नहीं, क्योंकि रश रश बढ़ रहा है, देख देख रश कितना बढ़ रहा है, इधर सभी आ रहे हैं। एलविन के बन रहे हैं चिली चिकन नूडल्स और मैंने खानी है क्या पता है पापड़ी चाट। यार चिली चिकन बना रहा है यार, चिली चिकन नूडल्स बड़े अच्छे लग रहे हैं यार, ट्राई कर, मैं भी करूँगा ट्राई। चल तू कर, इधर आ जा। बहुत टेस्टी है, वेरी नाइस, वाओ। मैं अपने लिए वो ले आया इधर समोसा, समोसा चाट, तो खा लेगा ना मेरे से, शेयर करेगा? चल खाते हैं, पहले ऐसे ही ट्राई करके देखते हैं। मुझे अच्छी लगती है यार, 10 डॉलर के हिसाब से क्वांटिटी बहुत अच्छी है। समोसे, ये समोसे का साइज देखो, छोटा सा ये देख। मैं ना उसको आयशा को और हिमानी को दोनों को बहुत मिस करता हूँ। पापा नहीं आ रहे, अभी आ जाएंगे पापा। क्या हो गया? वो भी दोनों आते हैं ना, अच्छा लगता। हम मुझे खिलाओ, हम मुझे खिलाओ, मैं खिलाऊं? पहले खुद बच्चे होते थे, अब हमारे बच्चे हो गए हैं, बच्चों को खिलाना है। इधर आ, हाँ इधर आ जाओ, साइड में रहो, अब बच्चों को खिलाना है। चले कैसा है? अच्छा है, ये है कि स्पाइसी नहीं है। हमारा खाना हो गया, अब और परफॉर्मेंसेस देखते हैं अंदर। परफॉर्मेंसेज चलती रहेंगी, थोड़ी थोड़ी हम दिखाते रहेंगे आपको साथ साथ, ऐसे टाइम आगे होता जा रहा है ना, लोग और भी बहुत ज्यादा क्राउड बढ़ता जा रहा है इधर। पानी मैंने अरविंद को कहा, मैंने यार पानी पी लेते, बहुत प्यास लगी है, ठंडा पानी बहुत ज्यादा। इन्होंने बच्चों के लिए भी रखा हुआ है, प्ले के लिए, ओके, बच्चों के खेलने के लिए। वाह, अभी बज गए 3, अभी 3 घंटे और चलेगा ये फेस्ट, उसके बाद फिर 6 बजे तक ही है बस। मतलब मैंने एलविन को कह रहा था, मैं कहा ये इंडियन सूट्स है ना, ये हिमानी होती तो वो उसको ज़्यादा समझ आती, हमें तो समझ आने भी कुछ कि क्या लें क्या ना लें। हाँ जी, मैं और एलविन तो इधर बैठ गए आराम से, क्योंकि उधर इतना शोर है और ये कि परफॉर्मेंस भी नहीं हो रही। मैं हम यहाँ पे ना ये उसके होटल के बैंकट हॉल में सारा ये इंडियन फेस्ट का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो हम होटल्स के लॉबी में आके बैठे हुए हैं कि चलो उधर जगह नहीं है कहीं बैठने की, तो इधर आके बैठे हैं, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे यार, बहुत चल चल के बहुत लेग्स टांगे दुख गई हमारी। अरविंद तेरे को कैसा लग रहा है फेस्ट? अच्छा है ना? हाँ नहीं अच्छा है, हर साल होता है तो कोई बात नहीं, अभी तो इस साल तो हिमानी आ नहीं पाई, नेक्स्ट ईयर उसको जरूर साथ लेके आएंगे। अच्छा ये फैशन शो भी था यार, चलो देखते हैं फैशन शो क्या।
जो ना प्रॉपर एक फेस्ट है यहाँ पे, जिनके ये ना सारे स्पॉन्सर्स के थ्रू वो सारा अरेंज हुआ हुआ है, और सारी कई बुटीक्स हैं, कई कंपनीज हैं जिन्होंने सारा स्पॉन्सर किया हुआ है। ये अभी लाइव परफॉर्मेंस होगी है ना, तो तैयार है सब लोग एक मस्ती भरी मेडली। किशोर दा के फैंस कौन कौन है? I just met a girl and she's from Gulu Gulu Punjab. I can dance, she can sing, we can rock the whole night long. Gulu Gulu Punjab, Gulu Gulu जो लेडी परफॉर्म कर रही है ना, ये हमारे व्लॉग्स देखती हैं, ये वाले, ये लेडी जो बस अभी ऑलमोस्ट फेस्ट हो गया ख़त्म। अब ये इन्होंने अपने गिफ्ट गुफ्ट कुछ बांटने होने हैं, बस वो प्रोग्राम चलेगा। तो हम तो आगे बाहर, अब चलें घर। यहाँ पे था ये ना वेस्टर्न होटल है, ये एयरपोर्ट के पास पड़ता है, तो यहाँ पे था प्रोग्राम ना फेस्ट। तो बस अब इधर से निकल रहे हैं, चलते हैं घर। आज मेरे को प्लानिंग करी अब कहाँ चले गए, इतनी देर क्यों लगा रहे हो, जल्दी आओ घर। तेरे को कैसे लगा आज का इवेंट? It was very good. हाँ, एक बात है कि अलग अलग परफॉर्मेंसेस थी, वो फैशन शो भी चला दिया इन्होंने, वो क्या कहते हैं रैंप वॉक कहते हैं। तो जी मैं पहुंच गया हूँ घर, आखिर हम अपना फेस्ट का एंजॉय करके। बहुत अच्छा फेस्ट था। और उसके जब हम बस लास्ट परफॉर्मेंस हमने कौन सी देखी थी, लाइव ना, लाइव परफॉर्मेंस देखी थी ना। बस आप अपना ऐसे प्यार देते रहो, और जो व्लॉग देखते हो यार, लाइक और कमेंट जरूर किया करो यार। रिक्वेस्ट है सभी से मेरी एक बार फिर, क्योंकि सभी ने जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया और सब्सक्राइब ज़रूर करो यार हमारा चैनल, एक रिक्वेस्ट है आप सभी से। तो बस इस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। तो जी और बस आपका अपना प्यार देते रहो, और बस साथ देते रहो ऐसे ही, सब्सक्राइब करते रहो, लाइक ज़रूर करो और कमेंट ज़रूर करो, तो बहुत अच्छा लगेगा। और हमारे में भी हम भी मोटिवेट होंगे, हमारे भी मोटिवेशन और बढ़ेगी, और अच्छे अच्छे व्लॉग चलो बनाते तो रहेंगे ही और सब करते रहेंगे।
तो जी बस इस ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, फाइनली करते हैं जी। बाय, टेक केयर और लव यू ऑल। नेक्स्ट ब्लॉग में जरूर मिलेंगे। और जो ना लाइव जरूर अब जल्दी से जल्दी आएंगे, वो ब्लॉग में हम बता देंगे कब आना हमने लाइव। तो फाइनल करते जी, बाय बाय।